दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई बात कर लेता है या फिर उनसे सवाल कोई कर लेता है तो उसे मुसलमान बताने की कोशिश की जाती है। मैं बात कर रहा हूं गोदी मीडिया पत्रकारों की और साथ ही साथ सबरीना सिद्दीकी की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ लिया, जिसके बाद उन्हें ये बताने की कोशिश की गई कि वो एंटी बीजेपी इंसान है, एंटी बीजेपी पत्रकार है, एंटी मोदी पत्रकार है, पाकिस्तानी पत्रकार भी उन्हें घोषित कर दिया गया सुधीर चौधरी जी की तरफ से, क्योंकि उनका नाम उर्दू था। सबरीना, अगर बात की जाए सिद्दीकी की, तो वो मुस्लिम समुदाय से आती है, इस वजह से उनको बताने की कोशिश की गई कि वो मुस्लिम पत्रकार है। ये सवाल वो है जो अमेरिका में एक मोदी विरोधी मुस्लिम पत्रकार ने व्हाइट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा। एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि ये सवाल एक मुस्लिम महिला पत्रकार ने पूछा, पाकिस्तान मूल की है सबरीना सिद्दीकी। इस हिसाब से, इस लॉजिक से तो सुधीर चौधरी जी हिंदू धर्म से आते हैं, तो क्या वो खुद को हिंदू पत्रकार बुलवाना पसंद करेंगे? क्या वो खुद को एज अ हिंदू पत्रकार आइडेंटिफाई करेंगे? क्या सच में वो देश के लिए काम नहीं कर रहे, सिर्फ हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे, जैसा कि इल्जाम वो खुद सबरीना सिद्दीकी पर लगाते हुए नजर आए? दोस्तों आप सोचिएगा, सबरीना सिद्दीकी जो कि एक पत्रकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये पूछ लेते हैं कि आपकी सरकार किस तरीके से अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रही है देश के अंदर, उनके अधिकारों के लिए काम कर रही है, तो उन्हें ये बताने की कोशिश कर दी जाती है कि वो पाकिस्तानी पत्रकार है, साथ ही साथ मुस्लिम रिलीजन से आती है। मैं सुधीर चौधरी जी से ये बात पूछना चाहूंगा, ये सवाल पूछना चाहूंगा, क्या अगर कोई मुस्लिम रिलीजन से आता है तो वो एंटी बीजेपी एंटी मोदी हो जाता है, जैसा कि आप सबरीना सिद्दीकी को एंटी मोदी खुद बोलते हुए नजर आ रहे, या फिर एंटी नेशनल हो जाता है, जैसा कि आपने प्रूफ कर दिया कि सबरीना सिद्दीकी जो है वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, पाकिस्तानी इंसान है। आपके सामने प्रूफ भी रखूंगा, लेकिन सबसे पहले एक उदाहरण देना चाहूंगा। अगर मुस्लिम होने का मतलब ये है कि वो एंटी बीजेपी एंटी मोदी है, तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, शाहनवाज हुसैन, शहजाद पूनेवाला, ऐसे कई लोग हैं जो बीजेपी में काम कर रहे हैं। आपके बगल में दो तस्वीरें मैंने रख दी हैं, कई चेहरे आपको याद होंगे, कई नाम आपको याद होंगे जो बीजेपी के अंदर काम कर रहे हैं। अगर वो मुसलमान है तो आप बताने की कोशिश करते हैं सुधीर चौधरी जी कि वो एंटी बीजेपी एंटी मुस्लिम है, जैसा कि आप कोशिश कर रहे थे लगातार बताने की कि देखिए उर्दू नाम है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा, तो क्या जो लोग बीजेपी में काम कर रहे हैं जिनका उर्दू नाम है उन्हें भी एंटी बीजेपी आप बताएंगे, या फिर ये कहेंगे आपका लॉजिक जो था वो पूरी तरीके से गलत था, या फिर एंटी नेशनल जो आपने बताने की कोशिश की? मैं आपके सामने दोस्तों एक उदाहरण देना चाहूंगा, एपीजे अब्दुल कलाम बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया, देश के प्रेसिडेंट भी वो रह चुके हैं और साथ ही साथ मिसाइल मैन के नाम से भी वो जाने जाते हैं। ऐसे में उर्दू नाम को लेकर ये लगातार कहने की कोशिश की गई कि सबरीना सिद्दीकी मुस्लिम है, कोशिश की गई ये बताने की कि वो देश के खिलाफ सवाल पूछ रही थी, वो बीजेपी के खिलाफ सवाल पूछ रही थी, वो मोदी जी के खिलाफ सवाल पूछ रही थी, एंटी मोदी उन्हें खुद सुधीर चौधरी बोलते हुए नजर आए। क्या आपको सही लगता है? यहां तक कि बराक ओबामा को भी नहीं छोड़ा गया, बराक ओबामा को भी मुस्लिम साबित करने की कोशिश की गई, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होता तो ऑनेस्टली ये बात कहता, आप भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं करेंगे तो बड़ी संभावना है कि भारत बट जाएगा, जो इस देश के हित में नहीं होगा। ये बात बराक ओबामा ने कह दी एक इंटरव्यू में, जिसके बाद उन्हें भी बराक हुसैन ओबामा के नाम से लगातार लोग पुकारते हुए नजर आए, गोदी मीडिया पत्रकार भी लगातार ये बात कहते हुए नजर आए। सुधीर चौधरी जी ने ये बात कही कि बराक ओबामा जो है वो बराक हुसैन ओबामा है, उनकी हिस्ट्री बताने लगे। क्या सही है? ये वही बराक ओबामा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेस्ट फ्रेंड में से आते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे, लेकिन एक बयान ने उन्हें ये बता दिया कि वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उनको मुस्लिम प्रूफ करते हुए सुधीर चौधरी जी दिखाई दिए। दोस्तों सिर्फ एक बयान और मुस्लिम प्रूफ करने की कोशिश की गई। सबसे बड़ी बात ये कि जब भी सवाल किया जाता है, जब भी ऐसी बातें की जाती तो हर बार मुस्लिमों का नाम क्यों बीच में लाया जाता है? क्या मुस्लिम होने का मतलब सुधीर चौधरी जी के हिसाब से गलत है? क्या मुस्लिम होने का मतलब ये है कि वो सरकार से सवाल जो करेगा वो देश हित में नहीं होगा? क्या मुस्लिम होने का मतलब ये है कि वो देश के हित में बात नहीं करेगा? सुधीर चौधरी जी बार बार जब सबरीना सिद्दीकी को मुस्लिम करार करते हुए, मुस्लिम बार बार बोलते हुए नजर आ रहे थे, उसका मतलब क्या था मुझे समझ में नहीं आया। ये बात कहीं ना कहीं मन में खटकती है, जब लगातार मुस्लिम 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 कह के बुलाया जाता है, वो इंसान सबरीना सिद्दीकी जो है वो आइडेंटिफाई उसके नाम से होती ना कि मुस्लिम शब्द से होती है। सुधीर चौधरी जी, आपको अगर कोई लगातार आपके धर्म के नाम से
बोलता हुआ दिखाई देगा कि आप एक हिंदू धर्म के पत्रकार हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा, क्या आपको बार बार ये कहा जाए कि आप पत्रकार नहीं बल्कि हिंदू धर्म पत्रकार हैं, हिंदू धर्म के पत्रकार हैं, तो क्या वो सही होगा? अगर आप किसी कोर्ट में जाते हैं तो वहां के जज से आप उसका धर्म पूछते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका धर्म पूछते हैं, किसी साइंटिस्ट के पास जाते हैं तो क्या उसका धर्म पूछते हैं? जो जवान देश के बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, दिन रात सुरक्षा करते हुए हमारे देश की दिखाई देते हैं, क्या आप उनमें से जाके किसी का धर्म पूछते हैं? तो क्यों पत्रकार का धर्म पूछा जा रहा है, क्यों आइडेंटिफाई किया जा रहा है उसको उसके धर्म से? ये सवाल है, ये जवाब जो है शायद आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके पास इसका जवाब नहीं होगा। बीजेपी में कई ऐसे लोग हैं जो उर्दू नाम के हैं और बीजेपी के लिए काम करते हैं, और साथ ही साथ अगर बात की जाए नेशनल वाइज तो एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा नाम है जो कि एक उर्दू नाम है। ऐसे में उर्दू नामों को अलग से आइडेंटिफाई करना, जर्नलिज्म को हटा देना और उर्दू नाम को पहले लेना, क्या सही है? मास कम्युनिकेशन अगर आपने किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि मास कम्युनिकेशन में ये समझाने की कोशिश की जाती कि कोई भी पत्रकार अगर पत्रकार बनता है तो उसे संविधान को लेकर सवाल पूछना चाहिए, उसे संविधान के तहत सवाल पूछना चाहिए, ना कि धर्म को लेकर सवाल पूछना चाहिए। तो ऐसे में धर्म बीच में कहां से आ गया? क्या पत्रकार को धार्मिक पत्रकार भी बताने की एक साजिश चलते हुए देश में दिखाई दे रही है, जैसा कि आप लोगों के सामने लगातार प्रिटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सबरीना सिद्दीकी जो है वो मुस्लिम रिलीजन से आती। अब बात करना चाहूंगा मैं सबरीना सिद्दीकी को, जो सुधीर चौधरी जी ने ये बताने की दोस्तों कोशिश की कि वो पाकिस्तानी है। आपके सामने सबरीना सिद्दीकी का दो फोटो जो है वो लाना चाहूंगा, उन्होंने खुद शेयर की है। एक ट्वीट उनका 2011 का है और एक 2015 का। एक ट्वीट में वो अपने पिताजी के साथ बैठी हुई है जहां पे इंडियन जर्सी उन्होंने पहनी हुई है। ये टी शर्ट जो है वो ये बताती है कि सबरीना सिद्दीकी जो है वो आज भी इंडिया को लेकर अपने दिल में जगह रखती है, भले ही वो यूएस में पत्रकारिता कर रही है लेकिन इंडिया के लिए रिस्पेक्ट आज भी उनके दिल में है। ये जर्सी इस बात का प्रूफ है, जो 2011 की फोटो है। इसके बाद दूसरी फोटो भी सबरीना सिद्दीकी की मैं लाना चाहूंगा जहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं सबरीना सिद्दीकी इंडियन टीम की टी शर्ट पहने हुई है, जहां पे उनकी जर्सी पे इंडिया लिखा हुआ है, यानी कि साफ है वो इंडिया को सपोर्ट करती हैं। ये पिक्स 2011-2015 की पुरानी पिक्स है। शायद सबरीना सिद्दीकी को यह बात का पता हो कि आने वाले वक्त में 2023 में सुधीर चौधरी जी ये बताने की कोशिश करेंगे कि सबरीना सिद्दीकी पाकिस्तानी महिला है ना कि इंडियन महिला है। इस वजह से उन्होंने 2011-2015 में पहले से प्लानिंग कर ली होगी। लॉजिक तो कुछ भी लगाया जा सकता है, किसी भी तरीके का तर्क दिया जा सकता है। जबकि ओबामा को ये बताने की कोशिश की गई कि बराक हुसैन ओबामा उनका पूरा नाम है, शायद वो मुस्लिम रिलीजन से आते हैं, इस वजह से उन्होंने मोदी जी के खिलाफ बयानबाजी कर ली, और मोदी जी के खिलाफ जो बयानबाजी की गई है वो देश के खिलाफ बयानबाजी की गई है। अगर कोई ये कहता है कि हम सजेशन देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो वो भी देश के खिलाफ हो जाता है। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो मोदी मीडिया पत्रकारों के हिसाब से वो देश के खिलाफ बात करेगा, जैसा कि आप लगातार खबरों में सुनते रहते होंगे। क्या सच में किसी पत्रकार, किसी जज, किसी डॉक्टर, किसी साइंटिस्ट या किसी आदमी वालों को उसके धर्म से आइडेंटिफाई करना चाहिए? ये मेरा सवाल है, इस बात का शायद मुझे जवाब ना मिल पाए। दोस्तों आप किस तरीके से देखते हैं? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो सवाल पूछा गया जो सालों से किसी पत्रकार ने नहीं पूछा था, पत्रकार ये पूछते थे कि आपके बटवे में पैसा है कि नहीं है, आप कितनी देर काम करते हैं, ये सारे सवाल होते थे। सबरीना सिद्दीकी ने सवाल पूछ लिया डेमोक्रेसी को लेकर कि डेमोक्रेसी किस तरीके से आपकी सरकार मजबूत कर रही है। सवाल था, कोई इल्जाम नहीं लगाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाखूबी से उसका आंसर भी दिया। इसके बाद सबरीना सिद्दीकी को इस बात पे टारगेट किया जा रहा है कि उनका नाम उर्दू है, उनको मुस्लिम बताकर एंटी मोदी एंटी बीजेपी बताने की बात कही जा रही है। पाकिस्तानी तक सुधीर चौधरी जी ने बोल दिया, जबकि मैंने आपके सामने सबूत रखा कि सबरीना सिद्दीकी इंडिया को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही थी, उन्होंने खुद टी शर्ट पहनी थी, पुरानी तस्वीरें आपके सामने रखी, कई बातें आपके सामने रख सकता हूँ, कई ट्वीट्स आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन इतना बहुत होगा सुधीर चौधरी जी के लिए कि शायद उन्हें समझ में आ जाए कि पत्रकार पत्रकार होता है, ना ही हिंदू धर्म का पत्रकार होता है, ना ही सिख धर्म का पत्रकार होता है, ना ही क्रिश्चियन धर्म का पत्रकार होता है, ना ही मुस्लिम धर्म का पत्रकार होता है। पत्रकार अपने देश का होता है, पत्रकार एरिया का होता है, पत्रकार संविधान के हिसाब से चलता है। मास कम्युनिकेशन में ये सब कुछ पढ़ाया जाता है।
अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि कई आर्टिकल्स याद कराए जाते हैं, ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया जाता है, रिलीजन के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जिससे कि किसी की भावना हर्ट हो, ये सब मास कम्युनिकेशन में पढ़ाया जाता है। सुधीर चौधरी जी बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे देश के लोगों को आप खबर बताते हैं, ऐसे में इस तरीके की अगर आप खबरें बताएंगे, पुरानी अगर मैं बातें करने लगा तो आपकी कई खबरें सामने आ जाएंगी जहाँ पे आपने गलत खबरें बताई और बाद में खुद आपने बताया कि शायद जो मैंने बोल दिया था, मेरे जो शब्द थे वो गलत हो गए थे। धर्म को लेकर भी आपने कई बार फैलाने की गलत खबरें कोशिश की है, मैं आपके सामने बता सकता हूं। लेकिन आज सबरीना सिद्दीकी को जिस हिसाब से आपने पत्रकार से हटाकर धार्मिक पत्रकार बताने की कोशिश की, क्या सही है आपका लॉजिक? और अगर आपका लॉजिक सही है तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ धन के लिए काम कर रहे हैं या फिर देश के लिए काम कर रहे हैं? देश के सबसे बड़े चेहरे आप हैं और आप खुद अपने लॉजिक के हिसाब से बता सकते हैं कि आप हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं, जैसा कि आपने सबरीना सिद्दीकी को बताने की कोशिश की उनके नाम के आधार पे, तो आपके नाम के आधार पे आप बताएंगे कि आप हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं या फिर देश के लिए काम कर रहे हैं, जैसा कि हम सब कर रहे हैं। पब्लिक के लिए सवाल पूछते हैं सरकार से, पब्लिक के लिए लगातार खबरें बनाते हैं, ना कि किसी और के लिए, ना कि पैसे के लिए। ये हमारा अधिकार है जो संविधान ने हमें दिया है। शायद आपको पता होगा कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये अधिकार देता है कि हर कोई अपने सवाल को रख सके, सरकार जो काम कर रही है उसके तरीकों को लेकर सवाल उठाया जा सके ताकि लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाए। शायद आपको इन सब चीज़ों का पता होगा अगर आपने, फिर एक बार कहना चाहूँगा, पत्रकारिता की पढ़ाई की होगी। दोस्तों आप राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं। जब बराक ओबामा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बेस्ट फ्रेंड में से एक है, उन्हें ये बताने की कोशिश की जाती कि वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तब उन्हें बताने की कोशिश की जाती कि वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जब वो ये कहते हैं कि मैं अगर वहाँ होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहता कि अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा आपको करनी होगी वरना देश बढ़ता हुआ नजर आएगा जो कि देश हित में नहीं होगा। इसके बाद उन्हें मुस्लिम बताने की जो कोशिश की गई, जो साजिश की गई, उसके पीछे का मकसद आपको समझ में आ गया होगा। मुस्लिम किस लिए उन्हें बताया गया, क्या मुस्लिम होना ये तय कर देता है, ये पैमाना हो जाता है कि आप एंटी बीजेपी या फिर एंटी मोदी हो गए, जैसा कि सुधीर चौधरी जी ने खुद बोला है। सबीना सिद्दीकी एंटी मोदी पत्रकार, उनके खुद के शब्द हैं। आप राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपको पूरी खबर, पूरी एनालिसिस कैसी लगी। साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।